हेलो एवरीवन, वेलकम टू द आर्ट एंड क्राफ्ट वेला। आई एम किरण राजे और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही क्रिएटिव आइडिया। तो मैंने यहाँ लिया है एक कार्डबोर्ड बॉक्स। आप कोई भी मिठाई का डिब्बा या इस तरह का कार्डबोर्ड बॉक्स ले सकते हो। वैसे ये बॉक्स काफी मजबूत है, बट इसे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए लिड पर मैंने फेविकॉल लगाया है और इस तरह बॉक्स के नीचे पेस्ट कर दिया है ताकि ये बॉक्स और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। और अब हमें लेना है एक कार्टन का पीस। इस तरह से मैंने एक कार्टन का पीस लिया है और बॉक्स को इसके ऊपर ड्रॉ करके मैंने एक्स्ट्रा कार्टन पीस ले लिया है, जो बॉक्स से एक्स्ट्रा 4-4 इंचेस चारों तरफ से मैंने ले लिया है, 4 इंचेस मैंने ऑन द साइड, और मैंने झरोखा पैटर्न ड्रॉ कर लिया है और इसे कट कर लिया है। गाइज, आप ये स्टेप देख देख कर फॉलो करते जाइए क्योंकि ये बहुत ही सुंदर आर्टिकल बनने वाला है। मैंने यहाँ लिया है ग्लू, फेविकॉल में थोड़ा सा पानी मिक्स कर दिया है और पूरे कार्डबोर्ड पर, झरोखा कार्डबोर्ड पर मैं ग्लू लगा दूंगी। और ग्लू लगाने के बाद मैंने यहाँ लिया है गिफ्ट रैप पेपर। तो बहुत ही सुंदर सुंदर गिफ्ट रैप पेपर आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगे। आपको जो भी पसंद हो झरोखे के लिए आप ले लीजिए। मेरे पास फिलहाल यही था तो मैंने सोचा चलो इसी को यूज करके बना लिया जाए, और मैंने गिफ्ट रैप पेपर इस पर लगा दिया है। ध्यान रहे ये पेपर वाला होना चाहिए, पॉलीथिन वाला नहीं होना चाहिए। एक्स्ट्रा पेपर हम कट कर लेंगे और झरोखे के साइड में एक्स्ट्रा पेपर को हम इस तरह से कट करते हुए हमें इसे पेस्ट करना है। वापस से सेम प्रोसेस, ग्लू की हेल्प से हमें झरोखे के चारों तरफ बैक साइड में इसे पेस्ट करते जाना है। गाइस, ये ध्यान रहे क्योंकि ये पेपर है तो आपको बहुत ही फिनिशिंग से इसे पेस्ट करना है, बिल्कुल भी रिंकल्स नहीं रहने चाहिए। और आप देख सकते हैं सेंटर में मैंने झरोखे के सेंटर में पेपर को क्रॉस में कट किया है ताकि मैं इस पेपर को बहुत ही अच्छे से बिना रिंकल्स के पेस्ट कर सकूं। सो गाइस, लुक अमेजिंग। ये देखिए हमारा झरोखा, बट इट्स नॉट कम्प्लीटेड। नाउ मैंने लिया है एक्रेलिक कलर, येलो कलर में थोड़ा सा ग्रीन शेड मिक्स करके यूज कर रही हूँ। आपको जो कलर पसंद है आप वो यूज करिए, जो शेड पसंद है आप वो यूज करिए। मैंने यहाँ सिंपल एक्रेलिक कलर ही लिया है और बॉक्स के अंदर की साइड में चारों साइड मैं इस तरह से पेंट कर दूंगी। और ड्राई होने के बाद मैंने एक और डिजाइनर पेपर लिया है। ये पेपर मेरा फेवरेट डिजाइनर पेपर है जिसे मैं यहाँ यूज करने वाली हूँ। तो बॉक्स के अंदर हमें ग्लू लगाना है और बॉक्स के साइज का मैंने ये पेपर कट करके अंदर की साइड में इस तरह से पेस्ट कर लिया है और इट्स लुकिंग अमेजिंग। ये तो मुझे ऐसे ही बहुत सुंदर लग रहा है बॉक्स, बट इसके चारों तरफ ग्लू करके हमें झरोखा पेस्ट करना है क्योंकि दो सुंदर चीजें मिलकर और भी सुंदर चीज बनाएगी। मैंने यहाँ लिए हैं मिरर और दो साइज के मिरर लिए हैं, दोनों राउंड है बट साइज थोड़ा सा डिफरेंट है। तो देखिए ये अंदर का पैटर्न इतना सुंदर है जिसमें मिरर लगने के बाद में ये और भी सुंदर लग रहा है। और आउटर साइड में भी मैं मिरर्स लगा लूंगी। आप बीच पोल या कोई भी डेकोरेटिव मटेरियल्स आप यूज कर सकते हो और अपना झरोखा इस तरह से तैयार कर सकते हो। हुक लीजिए और पीछे की साइड में आप हुक लगा दीजिए। सो गाइस, माय झरोखा, आई होप यू आर लाइकिंग दिस। तो जल्दी से एक बार लाइक बटन प्रेस कर दीजिए। इट्स लाइट वेट तो इजी टू हैंग है, आप इसमें कोई भी डेकोरेटिव पीसेस रख सकते हो। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और आइडियाज के लिए। एंड थैंक यू सो मच, लाइक शेयर एंड कमेंट। बाय बाय।